अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर वन का चौथा लेक्चर स्टार्ट करना है। बेटा, रिसेंटली हमने डिस्कस किया था रिवर्सिबल रिएक्शन को, किसकी मदद से? ग्राफ की मदद से। मैंने आपको रिसेंटली ये भी बताया है कि रिवर्सिबल रिएक्शन की कितनी डायरेक्शन हो सकती हैं। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन की कितनी टाइप्स हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरा क्या है? रिवर्स रिएक्शन। तो आज हम इनके दरमियान डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स आर फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या है, आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट्स बना देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है। और रिवर्स रिएक्शन में मैंने क्या बताया था आपको कि जिसमें प्रोडक्ट्स क्या है, दोबारा क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बना देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। अब देखें, पहली प्रॉपर्टी ये होगी, या दूसरे लफ्ज में हम ये कहेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी पहली ही करैक्टरिस्टिक है, यानी पहली डेफिनेशन ही इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बता देती है कि भी रिवर्स रिएक्शन क्या है, आपका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है। अब दूसरी करैक्टरिस्टिक क्या है, अब देखें इसमें रिएक्टेंट्स कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे, आपके प्रोडक्ट कहाँ है, राइट साइड पे, आपका रिएक्शन कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, आपका लेफ्ट टू राइट होता है। और इसमें मैंने तो सिंपली इस तरह लिख दिया है, लेकिन आप क्या करेंगे ओवरऑल रिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कि भी क्या होगा, आप रिवर्स रिएक्शन इस तरह शो करेंगे। क्या है रिवर्स रिएक्शन इस तरह के भी, उसमें हाइड्रोजन आयोडाइड गैस क्या है, डिकम्पोज होकर दोबारा क्या बना देती है, हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस। आपका आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे है, राइट साइड पे है, और आपकी रिएक्टेंट कहाँ पे है, लेफ्ट साइड से है। तो आपका रिएक्शन कहाँ से हो रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ। तो आपका रिएक्शन कहाँ से होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब इसकी जो तीसरी करैक्टरिस्टिक है, मैं ग्राफ की मदद से रिवर्सिबल रिएक्शन को वजाहत कर रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि शुरू शुरू में रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट्स या तेजी के साथ रिएक्टेंट क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। तो क्या शुरू शुरू में आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या होता है, फास्ट होता है। और अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो रिवर्स रिएक्शन आपका क्या होता है, वेरी स्लो, या दूसरे लफ्जों में हम कह देते हैं नेग्लिजिबल, यानी क्या होगा, नेग्लिजिबल, नॉट होने के बराबर होगा। ठीक है। अब इसकी जो चौथी करैक्टरिस्टिक है, मैंने आपको बताया था कि 100% रिएक्टेंट होते हैं शुरू शुरू में, फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते जाते हैं, तो रिएक्टेंट कंज्यूम होते जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है। कंसंट्रेशन कम होने की वजह से आपका फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू कर देता है, बहुत ही डिक्रीजेस ग्रेजुअली, यानी आहिस्ता आहिस्ता, या ये बतदरीज क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब ये आपका जो रिवर्स रिएक्शन है, इसका रेट क्या होता है, या रिवर्स रिएक्शन ये क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू कर देता है ग्रेजुअली। शुरू शुरू में तो रिवर्स रिएक्शन वेरी स्लो या नेगेटिवल या बहुत ही कम होता है, या दूसरे लफ्जों में कह देते हैं ना होने के बराबर, यानी उस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, यानी इग्नोर करते हैं। ठीक है। तो आपकी ये चौथी प्रॉपर्टी क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन की, आपका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है, या बतदरीज कम होता जाता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता क्या है, बढ़ता जाता है। ये क्या है आपके डिफरेंसेस फॉरवर्ड रिएक्शन के और रिवर्स रिएक्शन के, ये इनकी चार करैक्टरिस्टिक डेफिनेशन। आपने एग्जांपल भी लिखनी है इसी तरह सेम टू सेम। ठीक है। आपने एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिख देना है, आपने कहना है कि भाई कि ये आपका क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये क्या है आपका, रिवर्स रिएक्शन है। तो इसकी आपने एग्जांपल भी देनी है। तो
तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपके इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एग्जांपल है जो कि इरिवर्सिबल की दी गई है, कौन सी, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं, किसकी मौजूदगी में, प्लैटिनियम एंड हीट की मौजूदगी में, ये है आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये क्या है आपकी डिफरेंसेस हैं इनके दरमियान, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन के दरमियान। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। हम जो है ये बातें डिस्कस कर चुके हैं पहले, फॉरवर्ड रिएक्शन की भी और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की भी कौन कौन सी क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। अब आपको ये पहले पता होना चाहिए कि डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम किस में एस्टैब्लिश होता है, कौन से रिएक्शन में एस्टैब्लिश होता है, हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में, इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी एस्टैब्लिश नहीं होता। अब इसकी जो पहली खसूसियात है, तो शुरू शुरू में मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन को आप हमेशा किस में गेन करते हैं, क्लोज सिस्टम में, ओपन सिस्टम में गेन नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन सिस्टम में क्या है, जो आपकी प्रोडक्ट्स बनेगी, गैस बनेगी, जो चीज भी बनेगी, तो वो क्या होगी, हवा में खारिज हो जाएगी। या दूसरे लफ्जों में एसी की बात कर लें तो जब रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं, तो अगर ओपन सिस्टम हो तो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनती जाती है, फिर हवा में खारिज होती जाती है, जिससे आपका रिवर्सिबल रिएक्शन खत्म हो जाता है, क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसमें तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स क्या है, जितने भी रिएक्ट करने चाहिए इन्हें, उतने सारे के सारे रिएक्टेंट्स आपस में क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, फिर आपका क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस जो बनती है आपकी, ये हवा में खारिज हो जाती है। ठीक है, तो पहला पहला क्या है कि क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा क्लोज सिस्टम में गेन करते हैं, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगी, आपको क्या होगी, ऑब्टेन होगी। तो पहले के इससे हम क्या कर सकते हैं, क्लोज सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में हासिल कर सकते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम को। दूसरा, मैंने आपको ये बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी नहीं रुकता, वो हमेशा, या दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि एक मुकम्मल ही नहीं होते, रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा जारी रहते हैं। अब जैसे सिंपली अगर आप बात करें, ऐसे रोजमर्रा की मिसाल ये है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। दिन के वक्त आपको पता है फोटोसिंथेसिस होती है, और रात के वक्त क्या होती है आपको पता है, रेस्पिरेशन होती है। फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं, और वापर वेपर वाटर वेपर्स को क्या करते हैं, आपस में ये कार्बन डाइऑक्साइड और इसको पानी को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज रात के वक्त ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके क्या, किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है, दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में। ये आपका क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब सेम टू सेम ये क्या रहता है, जारी रहता है हमेशा, ये कभी रुकता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कभी रुकता नहीं, सिर्फ होता क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होंगे, बराबर हो जाते हैं, लेकिन दोनों क्या हो रहे होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के रेट क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं, लेकिन किस में हो जाते हैं, मुखालिफ सेंस में, यानी आपका फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट हो रहा होता है, रिवर्स रिएक्शन राइट टू लेफ्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या है उसकी दूसरी करेक्टरिस्टिक। तीसरी करेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, एक मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जब केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्शन मिक्सचर जो होता है आपका, रिएक्शन मिक्सचर जस्ट आप इसकी बात कर लें, केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर हाइड्रोजन भी मौजूद होगी, आयोडीन भी मौजूद होगी, और हाइड्रोजन आयोडाइड गैस भी मौजूद होगी, तो इनकी जो कंसंट्रेशन है हमेशा सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, तब्दीली नहीं होती, या इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, इनकी प्रॉपर्टीज हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर या डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर। के जैसे आपकी डेंसिटी, इनकी डेंसिटी हो सकती है, या कलर हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो कि हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मैंने आपको ये बताया था कि भी इनकी कंसंट्रेशन आपस में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्शन मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है केमिकल इक्विलिब्रियम में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होती, सिर्फ होता क्या है कि भी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है। तो इसलिए क्या है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में हमेशा जो कंसंट्रेशन है, रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन है, वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है।
अब इसकी जो चौथी कैरेक्टरिस्टिक है, मैंने आपको ये बताया था, चाहे आप रिएक्शन प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, चाहे आप रिएक्शन रिएक्टेंट से स्टार्ट करें, डायनामिक इक्विलिब्रियम ने क्या होना है, एस्टैब्लिश हो जाना है। यानी इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होगा, डीकम्पोज होगा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस और साथ में आयोडीन गैस बनेगा, ठीक है। तो फिर ये प्रोडक्ट आपके दोबारा आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बना देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप डायनामिक इक्विलिब्रियम को किसी तरह से भी क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, चाहे आप रिएक्शन प्रोडक्ट से स्टार्ट करवाएं, चाहे आप रिएक्शन क्या करवाएं, रिएक्टेंट से स्टार्ट करवाएं, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या हो जाती है, एस्टैब्लिश हो जाती है। अब इसकी जो पांचवी कैरेक्टरिस्टिक है कि अब आपका ये रिएक्शन है, आप इसमें थोड़ा सा कलर डाल सकते हैं, कैसे, प्रेशर अप्लाई करके, टेम्परेचर अप्लाई करके, ठीक है, या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा के, ठीक है, तो इसमें कलर डाल सकते हैं, थोड़ी देर के लिए चेंज होगा यह रिएक्शन, क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन दोबारा क्या होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम यह रिएक्शन क्या कर सकता है, अपेन कर सकता है। अब मैंने आपको बताया था एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब हम इसकी बात करेंगे टेम्परेचर की, एक एग्जांपल दे देता हूं आपको किस तरह। अब देखिए आपके लिए रिएक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल कोई भी है, जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक में आपका क्या होता है, रिएक्टेंट क्या करते हैं, रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बना देते हैं। प्रोडक्ट्स बनाने के बाद क्या होती है, आपकी एनर्जी रिलीज हो रही होती है, यानी नेगेटिव होती है। या दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं, एंडोथर्मिक में इस तरह होता है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी क्या हो रखती है, या दूसरे लफ्जों में हीट भी क्या हो रखती है, रिलीज हो रही होती है। अब देखिए हम क्या करें, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दें, किसकी बात करें, एक्सोथर्मिक की बात करें, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दें, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो प्रोडक्ट उस एनर्जी को इस्तेमाल करके क्या, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देंगे, तो आपके रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज। इसका मतलब क्या है, जब प्रोडक्ट, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी ज्यादा क्या है, बढ़ जाती है, तो एनर्जी बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट उस एनर्जी को इस्तेमाल करके क्या करते हैं, रिएक्टेंट दोबारा बना देते हैं, आपका रिएक्शन क्या हो रहा होता है, रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है। लेकिन जब आप एक बार टेम्परेचर दे चुके हैं, फिर दोबारा क्या है, वो केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, वो रिएक्शन एस्टैब्लिश कर लेगा। अब टेम्परेचर क्या करते हैं, आप काम कर दें, अगर आप टेम्परेचर काम कर रहे हैं, हीट काम कर रहे हैं, तो आपको पता है एनर्जी कम हो जाएगी। जब एनर्जी कम हो जाएगी, प्रोडक्ट्स को जितनी एनर्जी चाहिए वो उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा सिस्टम, तो इसलिए हम कहेंगे कि भाई आपका रिएक्शन क्या हो रहा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन ओवर हो रहा होगा, यानी रिएक्टेंस टू प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट को अब वो एनर्जी नहीं मिल रही जो एनर्जी उसको मिलनी चाहिए, किसमें कन्वर्ट होने के लिए, रिएक्टेंट में, रिवर्स रिएक्शन को शुरू करने के लिए, ठीक है। तो आपका जो टेम्परेचर है, एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडोथर्मिक में आपको पता है कि हमेशा एनर्जी की क्या होती है, जरूरत होती है, ये एनर्जी रिएक्टर में इस्तेमाल करके क्या करते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो अगर एनर्जी बढ़ जाएगी तो रिएक्टेंट क्या है, जल्दी से ज्यादा उस एनर्जी को इस्तेमाल करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में, चेंज होना शुरू कर देंगे। किसकी बात करें, केमिकल इक्विलिब्रियम हालत के ऊपर, अब जो है ना आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी, एस्टैब्लिश हो जाएगी। अब अगर क्या कर दें, टेम्परेचर को कम कर दें, अगर टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो एनर्जी कम हो रही है, यानी रिएक्टेंट्स को जितनी एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट्स में चेंज होने के लिए उतनी नहीं मिल रही, तो आपका रिएक्शन क्या है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में शुरू हो जाएगा, उसमें चेंज आती है, रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाता है, या रिएक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, या प्रोडक्ट्स ज्यादा बन जाते हैं, या प्रोडक्ट्स दोबारा क्या करते हैं, रिएक्टर्स में चेंज होना शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है ना केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, एस्टैब्लिश हो जाती है। तो पांचवी कैरेक्टरिस्टिक से क्या है कि भाई आप केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत के ऊपर किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में कलर डाल सकते हैं, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करके, टेम्परेचर अप्लाई करके, या नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको मैंने टेम्परेचर की एग्जाम्पल दे दी, अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, आप हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, इसके नंबर ऑफ मोल बढ़ा दें, तो क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये ज्यादा डिकम्पोज होना शुरू कर देगा, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट बनेंगे, आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अब दूसरे लफ्जों में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दें या आयोडीन की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, अगर इसमें से किसी की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं
तो ये क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपके रिएक्ट प्रोडक्ट क्या है रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे। तो आप जो है ना कलर डाल सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके, टेम्परेचर अप्लाई करके या कंसंट्रेशन चेंज करके, लेकिन थोड़ी देर के बाद या कुछ टाइम के बाद जो है ना वो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन दोबारा केमिकल इक्विलिब्रियम को या डायनामिक इक्विलिब्रियम को गेन कर लेता है। ठीक है, तो ये पांचवी कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है ज्यादातर के राइट फोर मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो डिफरेंसेस भी आ सकते हैं किसके, फॉरवर्ड रिएक्शन के एंड रिवर्स रिएक्शन के। तो शुक्रिया, आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन।